हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है, चैप्टर फिफ्थ एंड सरफेस केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो देखिए टॉपिक का क्या नाम है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करते हैं, हम बेसिकली इसका प्यूरिफिकेशन कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्यूरिफिकेशन जो होता है वो उसी चीज का होता है जिसमें कुछ वेस्टफुल मटेरियल हो, जिसमें कुछ जो है अशुद्धियां हो, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सी अशुद्धियां, कौन सा वेस्टफुल मटेरियल है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमने प्रिपरेशन किया था कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, उसमें हम कई जगह पे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जब सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से बनता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट की वेस्टफुल मटेरियल होती है, या मैं बोलूं इलेक्ट्रोलाइट की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो हमें उस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, उसको हमें रिमूव करना होता है। और वो रिमूव कैसे करेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से, प्यूरिफाई करके। तो बेसिकली अगर मैं आपको डायग्राम या स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊं तो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफिकेशन हो रहा है इसका। ठीक है, क्या मिल रहा है, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस क्या मिल रहा है हमें, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बात समझ में आई। ये हम करते हैं बेसिकली, ये प्रोसेस हमारा होता है कि जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्यूरिफाई करेंगे, तो हमारा जो प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है ये अलग हो जाएगा, और एक्सेस जो वेस्टफुल मटेरियल है यानी इलेक्ट्रोलाइट है हमारे लिए, जो उस टाइम वेस्टफुल मटेरियल है यानी एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, वो भी अलग हो जाएगा। क्योंकि हमें मेनली तो क्या चाहिए, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए प्यूरिफिकेशन करने के कोलाइडल सॉल्यूशन के तीन तरीके हैं मेनली, जिसपे हमें आज बात करनी है। वो तीन तरीके कौन से हैं, पहला तरीका है डायलाइसिस के थ्रू। ठीक है, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रो डायलाइसिस। थर्ड तरीका है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये तीन तरीके हैं जो कि हमें अब आगे पढ़ने हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए वन बाय वन हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग डायलिसिस। तो देखिए डायलिसिस में क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है जब कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई होता है, कैसे करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, फिर मैं आपको नोट्स लिखाऊंगी, जो कि आपको पॉइंट मेन पॉइंट है, फिर बताऊंगी मैं आपको। देखिए डायलिसिस को हम कैसे छानते हैं, कैसे इसमें क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली छानने का प्रोसेस होता है। आप सपोज करिए कोई भी पानी है, पानी के अंदर कुछ मैं मान लेती हूं कि क्या चला गया, कोई कंकड़ चला गया पानी के अंदर, बहुत सारे कंकड़ है। अब आपको पानी में से कंकड़ को अलग करना है, आप क्या करोगे, एक कपड़ा लोगे और नीचे लोगे कंटेनर, कोई भी बर्तन ले लोगे, उसके ऊपर लगाओगे कपड़ा यानी छलनी टाइप कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो कि पानी को और जो कंकड़ है उसको अलग कर सके। तो क्या होगा, जब भी आप उसमें डालोगे वो पानी और कंकड़ वाला मिक्सचर, जब डालोगे पानी के ऊपर, सॉरी उसके जो कपड़ा हमने बिछाया है बर्तन के ऊपर उसके ऊपर, तो क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा और कपड़े के ऊपर कंकड़ डाल जाएंगे, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही प्रोसेस जो है हमें डायलिसिस में भी करना है। क्या करते हैं हम डायलिसिस में, यहां पर हम कपड़ा यूज में नहीं लेंगे, हम यहां पर लेंगे पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन। छलनी के रूप में किसका यूज करेंगे, पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन।
तो क्या होगा बेसिकली यहां पर, मान लीजिए मैंने यहां पर कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया मैंने। अब इस कंटेनर में मैंने यहां पर लगा दिया है पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डबल कर देती हूँ दिखाने के लिए आपको। ये हमारा है कंटेनर, ये हमारा हो सकता है एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, अब देखिए हमें क्या करना है, ऊपर से डालना है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, हमने ऊपर से डाल दिया इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो हमें चाहिए, कोलाइडल पार्टिकल्स, वो तो पार्चमेंट पेपर या बोलो एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाएंगे, यहां पर क्या रह जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। जो प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हमें सोल है वो ऊपर मिल जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स हमें ऊपर मिल जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आई क्या हो रहा है इसके अंदर। बर्तन लिया हमने, कोई भी कंटेनर लिया, कंटेनर के ऊपर एनिमल मेम्ब्रेन या मैं बोलूं पार्चमेंट पेपर बिछा दिया, उसके ऊपर से हमने इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन डाला, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है या मैं बोलूं कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ऊपर ऊपर आ गया, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यहां हमारे लिए इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ऊपर जो पार्चमेंट पेपर के ऊपर क्या इकट्ठा हो गया, कोलाइडल पार्टिकल्स। अब आपको क्या करना है, इस कोलाइडल पार्टिकल्स की हम क्या करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स की पोटली बना लेंगे, ठीक है, पोटली बना ली हमने कोलाइडल पार्टिकल्स की, ये मान लो कि पोटली है, ठीक है, क्या है ये, पोटली है, किस चीज की पोटली है ये, कोलाइडल पार्टिकल्स इसके अंदर है, ठीक है, बात समझ में आई, ये पोटली हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, इस पोटली को एक कंटेनर में रखना है, बात समझ में आई, इस कंटेनर में ऊपर से आना चाहिए वॉटर, वॉटर है इधर, ठीक है। अब क्या होगा, इस कंटेनर में आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि ऊपर से पानी नहीं डालेंगे अपन, देखिए आप यहां से पानी डालेंगे, पानी जाएगा इधर से, ठीक है, पानी जाएगा इधर से और निकलेगा कहां से, इधर से, बात समझ में आई। हमने कुछ ऐसी व्यवस्था करी कि कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भरा हुआ है और पानी आ कहां से रहा है, नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर की साइड से पानी निकल रहा है और पानी का फ्लो है, अच्छा वाला फ्लो है पानी का, ठीक है, ये क्या है, वाटर फ्लो, वाटर है बेसिकली, हमें क्या लिखना है, वाटर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब पोटली, जो इसकी पोटली बांधी है हमने, कोलाइडल पार्टिकल जो यहां पर छने में मिल गए थे हमें, उसकी हमने पोटली ऐसे सिस्टम में रखी जहां से एक तरफ से पानी आ रहा है और ऊपर से पानी जा रहा है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर के बीच में वो पोटली है। तो क्या होगा, जो पार्चमेंट पेपर के जो पोटली के बाहर इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना, जो पोटली के बाहर इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो जो है पानी के फ्लो से धुल जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, और हमें प्योर जो है क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या मिल जाएगा, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आई, देखिए अब हम पढ़ेंगे यहां पर डायलिसिस के नोट्स। डायलिसिस को बेसिकली बोलना क्या है, कैसे आप लिखोगे इसको, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। हियर सुटेबल मेम्ब्रेन कैन बी एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, डायलिसिस का जो मैंने आपको समझाया था डायग्राम के थ्रू वही है,
बट इसको क्या मतलब हुआ इसका कि हम ये जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो डिजोल्व सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस उस कोलाइडल सॉल्यूशन में घुले हुए हैं जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड इम्प्योरिटी, उसको हम डिफ्यूजन की हेल्प से जो है अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। और किसकी हेल्प से हम क्या और चीज हेल्प में लेते हैं, कोई सुटेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकता है और पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है। तो डायलिसिस में इतना ही है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख के आएंगे, साथ में वो पूरा अच्छी तरीके से डायग्राम बना के आएंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रो डायलिसिस। कुछ नहीं करना, डायलिसिस आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, एक चीज करनी है और वो बन जाएगा इलेक्ट्रो डायलिसिस। देखिए क्या इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है, हमने डायलिसिस पढ़ा था। डायलिसिस में हमने पार्चमेंट पेपर की हेल्प से उसको छान लिया था, कोलाइडल सॉरी जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स थे उनकी हमने पोटली बना ली थी। मैं यहां भी एक बार बनाती हूँ, वापिस से बना रही हूँ वो डायग्राम, क्यों बना रही हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी पोटली है, किसकी, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन, ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर इस तरीके से है कि यहां से निकल रहा है पानी और इधर से इसमें भर रहा है पानी, ठीक है। मैं थोड़ी ज्यादा लंबी बना दी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। इधर से पानी आ रहा है, यहां पानी है पूरा, ये क्या है वॉटर। इसको किसने होल्ड कर रखा है, एक स्टैंड ने जो है इसको होल्ड कर रखा है, इस पोटली को किसने होल्ड कर रखा है, एक स्टैंड ने। इसमें है क्या, बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स है, या मैं बोलूं प्योर कोलाइडल सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रो डायलिसिस, जब मैंने दोबारा सेम डायग्राम बना दिया तो इलेक्ट्रो डायलिसिस की जरूरत क्या पड़ी, क्यों हम इलेक्ट्रो डायलिसिस पढ़ रहे हैं। देखिए जो डायलिसिस जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो प्रोसेस था, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस था। जब मैंने पानी में इस पोटली को डाल रखा है, पानी फ्लो कर रहा है और जो इसके बाहर के जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इम्प्योरिटी है, वो धीरे धीरे करके जो है अलग हो रही है, फैल रही है, ठीक है ना। तो बहुत धीरे वाला प्रोसेस है। अगर हमें इस प्रोसेस को फास्ट करना है, यानी फास्ट भी नहीं वेरी फास्ट, अगर हमें इसी प्रोसेस को वेरी फास्ट करना है, बहुत फास्ट करना है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें यूज करना पड़ेगा। पूरा अरेंजमेंट यही रहेगा, करना क्या है, सिंपली हमें यहां पर जो है इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। क्या लगा देना है, इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी तरीके से इस सिस्टम के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा मिटाती हूं ताकि आपको इधर दिखे, यहां मैंने प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का, और इधर माइनस का, ठीक है। सिस्टम हमने, मैंने यहां पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया है, बेसिकली ये एनोड है पॉजिटिव का और ये हमारा क्या है, कैथोड है। हमने यहां पर क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है इस पोटली में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके साथ साथ कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रोलाइट भी है, क्योंकि पूरी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट जो है नहीं छने थे डायलिसिस के टाइम पे। कैसे छन रहे थे, जब हम पानी का फ्लो करवा रहे थे ना तो बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो हट रहे थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट मान लो इसमें अभी है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ इलेक्ट्रोलाइट अभी इस पोटली के अंदर है। तो अगर मैं सिर्फ डायलिसिस के थ्रू करवाऊंगी तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें फास्ट करना है। मैंने यहां पर लगा दिया इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उसके अंदर आयंस। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो ये इलेक्ट्रोड होंगे ना वो फटाफट जो है पॉजिटिव वाले तो जाएंगे नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है ये फटाफट भागेंगे इस एनोड और कैथोड की तरफ और इतनी जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा कि हमें जो है पूरी तरीके से प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स मिल जाएंगे, प्योर कोलाइडल सोल हमें मिल जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं किया डायलिसिस में, हमने एनोड और कैथोड यानी इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करा दिया हमने। बस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराते ही इलेक्ट्रोलाइट भागेगा फटाफट
अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और सारा का सारा ये प्योर हो जाएगा जो इस पोर्टली में हमारा कोलाइडल सोल है जिसके अंदर अभी भी थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट बचे थे वो। तो सिंपल सा ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है। अब हम देख लेते हैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है। देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। मैं आपको बता चुकी हूं कि डायलिसिस का जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो था। इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें उस सिस्टम में तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। बट ये कब कंडीशन भी है इसकी, इफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लगा लोगे उस सिस्टम में, लेकिन ये कब अप्लाई करेगा, जब वो इम्प्योरिटी आपके पास जो हो ना उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी हो उसमें क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा नहीं कि कोई भी इम्प्योरिटी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हो जाएगा साफ, नहीं। इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट करेगा और फटाफट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा। तो बेसिकली ये आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस में लिखना है अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली मैं आपको अगर समझाऊं नॉर्मली, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि आपको इस तरीके से फिल्टर करना है, बेसिकली ऐसे फिल्टर करना है आपको कि प्योरली जो है एक बार में ही कोलाइडल प्योर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो अलग हो जाए और बाकी इम्प्योरिटी अलग हो जाए, बार बार आपको कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, बेसिकली जब छानने का प्रोसेस होता है किसको, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम छानते हैं हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है ये वाला, वो क्या करता है, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स को रोक लेता है और बाकी सब जो इम्प्योरिटी होती है, कुछ भी इम्प्योरिटी कोलाइडल पार्टिकल्स के अलावा, वो सारी बह के वो सारी छन जाती है। बात समझ में, सारी उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास हो जाती है, बस क्या पास नहीं होता, कोलाइडल पार्टिकल्स, जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स हमें चाहिए। मोटा मोटा यही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहती है डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स बाय फिल्ट्रेशन थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स जो कोलाइड्स के हैं उनको, किसमें से, क्रिस्टलॉइड्स में से। अब जो ये क्रिस्टलॉइड्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी भी है और कोलाइडल पार्टिकल्स भी है, ठीक है। किसकी हेल्प से, बाय द फिल्टर थ्रो, किस कैसे फिल्टर कर रहे हैं हम, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। और ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है मैं आपको बता चुकी हूं कि ये सारे इम्प्योरिटी को पास कर देता है, बस किसको पास नहीं करता, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स हमें चाहिए उनको पास नहीं करता। तो ऐसे क्या होता है, हमें अलग मिल जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये है हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो ये क्या करेगा, सारी इम्प्योर सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको पास कर देगा और यहां पर क्या रह जाएंगे, सिर्फ जो हमें प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स चाहिए वो रह जाएंगे, ठीक है, सिर्फ वो रह जाएंगे, बाकी सारी इम्प्योरिटीज को जो है ये पार कर देगा। बेसिकली यही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर। इसके जो पोर्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पोर्स जो होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए हुए होते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो तो रुक जाए और बाकी जितनी भी मतलब मेन जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाए। और मेनली यही होता है कि जो बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं उससे थोड़ा सा मोटा ही होता है कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इसमें एक बार भी सारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आज हमने पढ़ी है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आई होप आपको सारी चीजें यानी डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।